बार इमेजिन कीजिए कि आप एक रास्ते निकल के जा रहे हो और आपको उस रास्ते पे एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है और उस गड्ढे में एक व्यक्ति दिखाई देता है जो उस गड्ढे में फंस गया है, जिसके बाद आप उस व्यक्ति की मदद करते हैं और उसे उस गड्ढे से बाहर निकाल भी लेते हैं, लेकिन फिर वही इंसान आपको थैंक यू या धन्यवाद कहने के बजाय आप ही को उस गड्ढे में पुश कर दे। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ था विश्व की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ भी। जी हाँ, ज्ञान का सार कहा जाने वाली नालंदा महावीरा का अंत कुछ ऐसा ही था। आज हमारे देश के स्टूडेंट भारतीय यूनिवर्सिटी का सपना लिए बैठे हैं। आज जहाँ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, न्यूयॉर्क जैसी कई और यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा फेमस है, जहाँ आज दुनिया भर के स्टूडेंट वहाँ जाके पढ़ाई करने का सपना देखते हैं, लेकिन आज से 1000 साल पहले कहानी कुछ और ही हुआ करती थी। क्योंकि जब पूरी दुनिया भर से लाखों में स्टूडेंट भारत अपनी पढ़ाई पूरी करने आया करते थे, क्योंकि जब उन स्टूडेंटों का सिर्फ एक ही सपना हुआ करता था, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। क्योंकि उस समय जो शिक्षा का केंद्र था वो कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि हमारे प्राचीन भारत की सबसे पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी थी। लेकिन वो नालंदा यूनिवर्सिटी आज किस हाल में है, पहले आप ये देखिए। जानना होगा आपको कि इतनी प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी का हाल आज ऐसा क्यों है। आपको जानना होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी का हाल आखिर किसने, कैसे और आखिर क्यों किया। दरअसल पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया। बट नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हु एंड व्हाई डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी। बिकॉज ना ही किसी राजा का महल था, न किसी की नीचे प्रॉपर्टी, न हीरे जवाहरात थे, ना सोना चांदी। हाँ, यहाँ सिर्फ था तो बस एक चीज, और वो था क्या। तो आइए जानते हैं नालंदा महावीरा, नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री को। नालंदा के 800 साल के इतिहास में नालंदा ने क्या क्या फेस किया, जहाँ इसने सबसे सुनहरा दौर भी देखा और अपने सबसे भयंकर अंत भी। इतिहास के कुछ पन्नों से हमें ये पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आज से तकरीबन 450 BC में भारत के बिहार में सम्राट कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। लेकिन अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आगे सम्राट कुमार गुप्त है कौन। एक्चुअली कुमार गुप्त इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एम्पायर इन इंडिया, ही इज बिलोंग टू गुप्ता एम्पायर। अब कुछ सोर्सेज द्वारा ये भी पता चलता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी है ये आम के बगीचे में बनाई गई थी और सम्राट कुमार गुप्त को ये जमीन 500 व्यापारी द्वारा एज अ गिफ्ट दी गई थी। और अब ये देखते ही देखते 5वीं शताब्दी से नालंदा बिहार से 7वीं शताब्दी आते आते नालंदा महावीरा बन चुका था। जो ये नालंदा शब्द है तीन शब्दों से मिलके बना है, ना प्लस आलम प्लस दा, इसका मतलब होता है गिफ्ट या प्रेजेंट या कभी ना रुकने वाला ज्ञान। और अब नालंदा महावीरा, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, इतना ज्यादा फैल चुका था कि अब यहाँ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट दुनिया के अलग अलग कोनों से, अलग अलग देशों से यहाँ पढ़ने आने लगे थे। जैसे श्रीलंका, म्यांमार, तुर्की, जापान, यहाँ तक कि इंडोनेशिया के बच्चे भी अब नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने का रुख करने लगे थे। और अब यहाँ 10,000 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए यहाँ अलग अलग दौर में कुल 2,000 से ज्यादा महान टीचर रहे। अब काफी बड़े एरिया में फैली इस यूनिवर्सिटी में कुल 8 कंपाउंड थे, जिसमें मंदिर, 300 से ज्यादा क्लासरूम, मिलिट्री, 7 बड़े बड़े हॉल, ज्योमेट्री, स्तूपास, लेक और कई बड़े बड़े पार्क भी थे। अब कुल 1500 साल पहले बना ये स्ट्रक्चर लाल ईंटों से बनाया गया था, लेकिन अब इस पूरे कैंपस का आकर्षण का केंद्र था तो वो थी नालंदा की लाइब्रेरी, जो नालंदा की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी 9 मंजिला लाइब्रेरी थी, जिसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। अब ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी, इतनी विशाल हुआ करती थी, इसमें दुनिया भर का ज्ञान समेटी हुई कुल 90,00,000 बुक्स थी। अब यहाँ न केवल हिंदू धार्मिक ग्रंथ बल्कि कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे साइंस, फिलोसफी, मैथ, लॉजिक, मेडिकल, लिटरेचर जैसे कई सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते थे। और इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए यहाँ पर कई सारे महान टीचर्स भी थे, जैसे विश्व को जीरो देने वाले महान आर्यभट्ट, जिन्हें फादर ऑफ मैथमेटिशियन भी कहा जाता है, वो 6th सेंचुरी में यहाँ के मुखिया थे। इनके अलावा नालंदा में बुद्धपालिता और आर्यदेव जैसे और भी कई महान टीचर्स रहे। अब नालंदा के स्टूडेंटों की बात की जाए तो हर्षवर्धन, नागार्जुना और वासुवर्धन और कई फॉरेन के स्टूडेंट जैसे चीन के एक ट्रेवलर हैंसोंग नालंदा आए थे, जिन्होंने अपनी लाइफ का कुल 1 साल यहाँ पर ऐसा स्टूडेंट और टीचर स्पेंड किया था। और वो नालंदा से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने नालंदा के बारे में कई विशेषताएं बताई और पूरी दुनिया भर में नालंदा का प्रचार प्रसार किया। और ऐसे ही नालंदा पूरे 800 सालों तक दुनिया भर को ज्ञान बांटता रहा। हालांकि नालंदा ने इन 800 सालों में 3 बड़े आक्रमणों को झेला था।
अब नालंदा पे हुए दो हमलों के बावजूद भी नालंदा अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था। वो भारत ही नहीं दुनिया भर के हर एक कोने में हर एक देश में अपने ज्ञान की रोशनी फैला रहा था। लेकिन इन्हीं सब हमलों के बाद नालंदा पे तीसरा हमला कुछ ऐसा हुआ जब नालंदा अतीत के पन्नों में कहीं खो सके। जब बख्तियार खिलजी भारत आता है और वह नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा देता है। लेकिन आखिर क्यों, आओ जानते हैं। दरअसल बख्तियार खिलजी का जन्म 1150 में अफगानिस्तान में हुआ था और बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान के खिलजी कबीले से था। अब बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान से अपने बड़े बड़े सपने लेकर 1192 में दिल्ली आता है, क्योंकि अब उसे दिल्ली में एक अच्छा पद एक अच्छी पोजीशन हासिल करनी थी। कई कोशिश करने के बावजूद भी खिलजी की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। लेकिन बाद में उसने कई सारे बैटल में अपनी काफी ज्यादा बहादुरी दिखाई, जिसके बाद कुछ छोटे मोटे लीडर्स के द्वारा उसे पना और पावर मिल गई। फिर इसी पावर का बख्तियार खिलजी ने फायदा उठाया और बिहार के काफी ज्यादा क्षेत्रों को अपने अंडर कर लिया। और अब यहीं से शुरू होती है नालंदा की तबाही की कहानी। लेकिन अब इस बीच बख्तियार खिलजी की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी और वो धीरे धीरे काफी ज्यादा बीमारियों से घिर जाता है। और बख्तियार खिलजी के साथ आए उसके हकीम भी अब उसका इलाज करने में नाकाम रहते हैं। और ऐसे में किसी ने बख्तियार खिलजी को ये बात कही कि अब उन्हें सिर्फ एक ही इंसान ठीक कर सकता है, जो है नालंदा के चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख राहुल श्रीभद्र। लेकिन खिलजी ने अब इस बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि जब मेरे इतने काबिल हकीमों के पास मेरी इस बीमारी का इलाज नहीं है तो कोई काफिर मुझे क्या ठीक करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। अब बख्तियार खिलजी की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी तो वो आचार्य जी के पास पहुंचा। बख्तियार खिलजी ने आचार्य जी को चुनौती दी कि वो किसी काफिर से दवाई नहीं लेगा, आपकी शिक्षा और आपके आयुर्वेद में अगर इतनी ताकत है तो मुझे बिना दवाई दिए बिना हाथ लगाए ठीक करके दिखाएं। अब राहुल श्रीभद्र जी ने बख्तियार की इन बातों को मान लिया और बख्तियार को एक कुरान दी और उसे कुरान देते हुए ये कहा कि कुरान के कुछ पन्ने रोज पढ़ने से उसके सारी बीमारी उसके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, खिलजी रोज कुरान के पन्ने पढ़ता और वो धीरे धीरे ठीक हो गया। दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी, जैसे खिलजी रोज पढ़ता था और वो दवाई उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती थी। अब खिलजी एकदम सही हो चुका था। लेकिन अब बख्तियार खिलजी को जैसे ये बात ठीक होने के बाद पता चलती है तो वो खुश नहीं होता। अब एक बड़ी बीमारी से उठने के बाद कोई भी इंसान उस डॉक्टर को धन्यवाद देता है जिसने उसे ठीक किया। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, जब खिलजी पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो वो जल गया। बख्तियार को ये बात फूटी याद नहीं सुहा रही थी कि आखिर एक काफिर ने उसे पूरी तरह स्वस्थ आखिर कर कैसे दिया। जब मेरे हकीमों के पास इस बीमारी का इलाज नहीं था तो इसके पास इस बीमारी का इलाज आखिर कैसे आया। अब बख्तियार ये बात समझ जाता है कि यहाँ के लोगों में और नालंदा यूनिवर्सिटी और नालंदा में रखी उन किताबों में इतना ज्ञान है कि अगर ये सबके सामने आया तो वो काफी आगे निकल जाएंगे। और बख्तियार ये ही नहीं चाहता था और यहीं से जन्म लेता है बख्तियार खिलजी के दिमाग में एक खौफनाक आइडिया। अब बख्तियार खिलजी ये बात समझ चुका था कि उसे अगर भारत देश पे राज करना है तो उसे यहाँ की जड़ पर हमला करना होगा और वो जड़ थी नालंदा। नालंदा में रखी वो 90 लाख बुक्स, नालंदा में रह रहे वो टीचर्स, नालंदा में रह रहे वो स्टूडेंट, उन्हें वो खत्म करना चाहता था। फिर बख्तियार खिलजी ने कुछ ऐसा ही किया। वो पहुंच गया अपनी विशाल सेना लेके नालंदा यूनिवर्सिटी के बाहर, जहाँ रह रहे हजारों बुद्धिस्ट मॉन्क्स टीचर्स और स्टूडेंट को उसने मौत के घाट उतार दिया। बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि पूरे 3 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी वो 90 लाख बुक्स जलती रही थी। अब नालंदा के डिस्ट्रॉय होने के बाद भारत से बुद्धिज्म का पतन होना भी शुरू हो गया था और फिर कई सालों तक नालंदा की शिक्षा और नालंदा यूनिवर्सिटी हम सबकी नजरों से दूर रही। बस कुछ इस तरह किसी की जलन किसी के ईगो के कारण विश्व की एक महान धरोहर नष्ट हो गई। अगर नालंदा आज भी अपना वो ज्ञान बांट रही होती, नालंदा की वो 90 लाख बुक्स आज भी होती तो भारत आज विश्व गुरु होता। साल 2009 में नालंदा महावीरा नालंदा यूनिवर्सिटी को विश्व धरोहर के रूप में जगह मिली। हालांकि इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने नालंदा को मॉडल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में जन्म दिया और साल 2023 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी G20 में नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रचार अलग अलग देश के लीडरों के सामने किया था। और नालंदा इस बात का प्रतीक है कि जो हमारा भारत देश है वो आज से नहीं बल्कि सदियों से पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से रोशन करता हुआ आ रहा है। तो ये स्टोरी थी नालंदा महावीरा नालंदा यूनिवर्सिटी की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे लोगों को भी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल सके। और ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।